1975 तक चेयरमैन भी रहे और दीगर कायम खानी कौम के सरदारान जो कि इसी उनको हदिया तहनीत पेश करना जरूरी है कि उन सब की काश मुझे इस सिलसिले में कि उस वक्त हम लोग उकाड़ा में थे और जनरल साहब उस दौर में भी इसी रात्रि से जब कौम की मुआशी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी ना होने के बराबर होते हम में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुकी है। और आज ये इन्हीं की फेस और दुआओं का नतीजा है गुरुपुरा कायम खानी वजीर खान उनका साथ हमारी कौम के बुजुर्गों ने असां जी बिरादरी जी बिकॉज ऑफ जनरल बशीर जे करे हाने इन असां यो भी चयो कि ता पांजी बोली कायम खानी बोली तांजी पांजी बोली आ निगे ना छड़ियो बोली सभी सुठी आइन उर्दू आ उर्दू नेशनल लैंग्वेज आ सच पर असां की उर्दू भी गलाइन गुजे सिंधी जरूर गुलाइन घुर्ज सिंधी जी असि धरती की लैंग्वेज है हाँ अस धरती जहा वासी आयो धरती जहा हाँ मालिक आयो जो वेठा इंटीरियर सिंध में सभी के सिंधी गलाइनी जरूरी है सिंधी सीख जरूरी है सिंधी जो अस न सीखा तो अस इन में सिंध में शमूलियत को सकता लिहाजा सिंधी गलाइनी सिंधी बोली या इन जो भी पैगाम हो असो जनरल जो भी पैगाम हो कि हर बोली तक इन में जम थियण है सिंध में जैसे सिंध में हाँ रहो था तो सिंधी आयो सिंधी गलायो सिंधी बोलो सिंधी सीखो। दरअसल जो कायम खानी है ये तो बाद में हो गया कि ये हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान है। कायम खानी जो है वो इस धरती के बेटे हैं इस सिंध के बेटे हैं और स्पेशली उन्होंने ये हमें ये सबक दिया कि सिंध की तरक्की के लिए सिंध के तहफ़ के लिए सिंध की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के तहफ़ के लिए कायम खानी कौम के बच्चे जो हैं वो तैयार हों तालीमी मैदान में फौजी मैदान में और इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा करें। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की खिदमत की है अपनी कौम को यकजा करके वो जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार मीरपुर खास की सीट से जो है वो यहाँ पर मुंतखब हुए थे मिनिस्टर बने
انہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل جو ہے وہ قائم خانی جذبے کے تحت, ایک راجپوتی جذبے کے تحت انہوں نے صبح سندھ کی خدمت کی اور میرے پور خاص کی شہر کی خدمت کی, اور اس سندھ کے لیے پاکستان کے لیے انہوں نے یہ درس دیا کہ فوج میں جو ہے وہ نوجوان جائیں اور نوجوان ڈسپلن رکھیں, نوجوان جو ہے اس صوبے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے, اس پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل بشیر صاحب کا جو اس قوم کے لیے جو ایک کارنامہ ہے یکجہتی کے حوالے سے, اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی فراموش نہیں کیا جاتا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو قائم خانی ہیں وہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, اور انہیں خراج عقیدت سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں, اور ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا.